गरियाबंद जिले के ग्राम पंचायत तर्रा में एक गरीब परिवार अपने बच्चे के इलाज के लिए सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। मासूम बच्चा डेनिस का इलाज हो सके और वो एक बार फिर हंसता खेलता स्कूल जाए, दोस्तों के साथ खेले और परिवार में खुशहाली लौट आए। इन्हीं उम्मीदों को लेकर परिवार सरकार से प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि उनकी माली हालत ठीक नहीं है, उनके बच्चे के इलाज में सरकार मदद करे जिससे मासूम डेनिस के जीवन में फिर से खुशहाली आ सके। तबीयत 3 साल से खराब है, मैं स्कूल जाते हूँ तब नहीं जा पाता हूँ और तबीयत ठीक हुई तब स्कूल जाए मन करा थे। तो अभी कब से स्कूल नहीं जाता? 2 साल हो गए स्कूल नहीं जाता। अच्छा, कहाँ बनना चाहता है पढ़ लिख के? कुछ बनना चाहता। कहाँ नाम है तो? आपको बता दें, गरियाबंद जिला मुख्यालय से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर ग्राम तर्रा के डेनिस साहू, जो पिछले 3 वर्षों से एक अज्ञात बीमारी से ग्रसित है जिसके चलते कमर में लचक और पैर में सूजन होने के कारण चल फिर नहीं पा रहा। वहीं पीड़ित बच्चे के पिता नरेश साहू ने बताया, रोजाना जब डेनिस चलने का प्रयास करता है तो कुछ ही दूर चल पाता है, फिर गिर जाता है। दिन भर में लगभग 20 बार ऐसा होता है कि डेनिस चलते चलते गिर जाता है, जिससे हाथ पैर मुंह होंठ और सिर में चोट लगने का डर बना रहता है। कई बार गिरने से सर भी फट गया। डेनिस के पिता ने आगे बताया, पिछले कुछ वर्षों में डेनिस का इलाज राजधानी के विभिन्न अस्पतालों के साथ साथ एम्स हॉस्पिटल रायपुर में भी करवाया गया, लेकिन इस दौरान बच्चे की उचित बीमारी का न तो पता चला, न ही सार्थक परिणाम नजर आए। एम्स में 15 दिनों तक इलाज चला, परंतु उसके बाद बिना कोई कारण बताए वहां से छुट्टी दी। परेशान डेनिस के पिता ने बताया कि मैं आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हूं, बच्चे के इलाज में लाखों रुपए खर्च हो चुका है और कर्ज लेकर बच्चे का इलाज करा रहा हूं। अब मैं पूरी तरह परेशान हो गया हूं। मेरे 4 बच्चे हैं जिसमें डेनिस केवल मेरा अकेला लड़का है। घर चलाना मुश्किल हो चुका है, साथ में 2 बच्चों की पढ़ाई और डेनिस का इलाज सभी दिशाओं से घिर चुका हूँ। मैं शासन से गुहार लगाता हूँ कि मेरे बच्चे का इलाज करने में मेरी मदद करें, एक अच्छे से हॉस्पिटल में डेनिस का इलाज करने में मेरा सहयोग करें। मैं मोटरसाइकिल लेकर समस्या आवेगा, मोटा हुई से मोटा हुए बाद सुजान हो गए, सुजान हो बाद लेकर हर जगह कमर में छिका गए। एक बाद लगातार 3 साल हो गए इलाज करत में कर, अब इलाज करत करत में थक गए। परिवार पालों की गलत देखो कि गलत देखो, इसी टाइप के हो गए हैं। स्थिति बहुत गंभीर रूप से चलत है और बस लेता का इलाज चाहत में है शासन से। हाँ, एकर कहाँ कहाँ इलाज कराए हो? एकर इलाज तो एम्स हॉस्पिटल में घरों हुए रायपुर के, अब रायपुर के 2-3 हॉस्पिटल में और चल देने में तो भी ठीक नहीं। हाँ, अभी तक से ठीक नहीं हो पाते। हाँ, तो अब आप कहाँ चाहत हो? मैं केवल शासन से यही तुम बुखार करा हूँ कि एकर इलाज करे और मलिका इलाज करे बाद फिर पुनः स्कूल जाए। वो समस्या छोटे रही तो बने रही स्कूल का, 5वीं तक ले बने रही से, 5वीं से चालू हुई तो धीरे धीरे कुमरी में मोटाव इस मोटाव आए बाद धीरे धीरे हुआ कमर उमर हा खिंचाए चालू हो गया। खिंचाए ना रेंगते रेंगे तो वो गिर जाते, 10-20 बार भी हो जाते, मोड़ फूट गए कमर उमर में पूरा छोड़ा जाते गिर जाते मारी मारी फूट गए और बहुत सारा खून बह गए और कर से हम कुछ कर नहीं सका था, गरीब आदमी है और रोजी मजदूरी करके परिवार चलाते साहब, लेकर देखन के काम करन के परिवार लखा में खाना पीना खवान बोल लेकर है। समस्या भारी है तो आप मन के सहयोग चाहत हन, लेकर ठीक हो जाती है आप मन के सहयोग से, यही विनती है मेरा। मोर पास तो कुछ नहीं है, गरीब आदमी है, बहुत समस्या हूँ लेकर के स्थिति देखते हुए, बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, यहाँ का करें उसे करके। और का नाम? टेमी। वही जनपद पंचायत फिंगेश्वर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजय पटेल ने कहा कि पीड़ित बच्चे का हर संभव मदद कर उसका इलाज कराया जाएगा, साथ ही दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि बच्चे का इलाज कब और कैसे हो पाता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। जी, हमें मीडिया से हमें ये न्यूज पता चला, दानिश साहू नाम उनका, अभी जब हमारा शिविर लग रहा है हर पंचायत के क्लस्टर बना करके दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए हम लोग अभी शिविर आयोजन कर रहे हैं, तो अभी जामगांव में शिविर हुआ था, वहाँ उनको ले गए ही थे और उनका 80% दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी जारी किए, और अभी BMO साहब से भी बात करके हम देख रहे हैं कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा उचित इलाज हो सके। ठीक। गरियाबंद जिला ब्यूरो,
जितेंद्र सिन्हा की रिपोर्ट।